चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत नारी चिंतपूर्णी में पिछले वर्ष सितंबर माह में ग्राम सभा की बैठक में 61 बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा की सूची से बाहर कर दिया गया। बेशक ग्राम सभा के इस फैसले के बाद नारी चिंतपूर्णी पंचायत बीपीएल मुक्त हो गई, लेकिन धरातल का सच ये है कि इस पंचायत में फर्जी गरीब निकालने के चक्कर में आटे के साथ घुन भी पिसता नजर आया। इस पंचायत का बलवीर सिंह, जो कि दिव्यांग है, और उनकी 85 वर्षीय माता भी बलवीर सिंह पर निर्भर है, इसमें बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। इतना ही नहीं, बलवीर सिंह जैसे ऐसे परिवार भी हैं जो कि कोरोना शुरू होने के बाद गुर्बत में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। मेरा नाम सोमा देवी है। साड़ा ना बीपीएल जो था वो भी कटीला साझो कोई सुविधा नहीं देती जी। साड़ा मकान भी कच्चा है, मकान सारा डिगी डिगी पवा था। 2500 रुपये की पेंशन मिलती, कुछ ना साला गुजारा नहीं होता। पिछले साल सितंबर माह में ग्राम सभा की बैठक में 61 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से काट दिया गया। अब इन लोगों को महंगाई के दौर में महंगा राशन लेना पड़ रहा है और ये बीपीएल की स्कीमों से भी वंचित हैं। अब जिला प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द नया सर्वेक्षण करवा के इन लोगों को, जो कि गरीब हैं, जल्द से जल्द बीपीएल श्रेणी में डाला जाए। मैं महेंद्र सिंह, स्थानीय ग्राम पंचायत नारी चिंतपूर्णी का स्थायी निवासी हूँ। मेरे गांव में पिछले सितंबर महीने में 2019 में बीपीएल परिवारों के नाम बिना वजह से जो पात्र थे उनको काट दिया। ढेर बंदों को भी नाम काट दिए गए जिसकी आज तक कोई भी शिनाख्त नहीं हुई और बंदे आज तक वो इस सुविधा से वंचित हैं। बोले, मेरा नाम बलबीर जी, साड़ा कार्ड हा मेरा अंतो च नारी पंचायत चिंतपुरनी ता अंत खड़ीता जी। साड़ा हुण पेंशन लगी है गवर्नमेंट तरफों। साड़ा होर कोई नहीं, मैं अपांगा, माता मेरी 85 साल दी है, मेरे नाल रहिंदी है, बिल्कुल निर्धन है। मैं चल फिर बिल्कुल ही नाल चुतला रगड़ो ही ना बने तपड़ी हेठ चलता जी। मेरी सरकार को यही गुरदारिश है कि मैं कहीं ना कहीं मेरा अंतो का कार्ड जोड़ा बनाया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चिंतपूर्णी से दिनेश कालिया की रिपोर्ट।